अच्छा बाहर से कुछ करा ये एक चीज है। बाकी भाई एक और चीज मेरे को बता रहे थे कि गाड़ी की अलॉय का मूड बन रहा है। चीप टाइप लगती होगी, हल्की सी हल्की से। अगर आप भी चाहते हो गाड़ी फीचर कराना, आपके पास कोई सी भी गाड़ी है, जैसे क्या पीछे देख पा रहे हो कि भाई की गाड़ी रहने वाली ब्रेजर, अगर आप भी चाहते हो गाड़ी फीचर कराना तो भाई डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। उसमें क्या करना है, आपने जाके बस मेरे को डीएम करना है उसमें कि राहुल भाई ये देख लो ये मेरी गाड़ी रहने वाली है, चलो किसी से मिलते हैं और गाड़ी फीचर अपनी कराते। So, hey guys, welcome back to my channel. Guys, आज हमारे साथ नवोदित भाई रहने वाले हैं। नवोदित भाई क्या हेलो कहते भाई? हेलो एवरीवन। थोड़ा सा अपने बारे में बता भाई सबको। तो राहुल भाई के साथ स्कूल में थे, साथ में हम छोटे से हुआ करते थे। आज करीब 5 साल बाद मिल रहे हैं हम लोग, सोच सकते हो आप लोग, मतलब यही सेम सिटी में होने के बावजूद याद नहीं करते राहुल भाई, बड़े आदमी हो गए हम। ऐसा कुछ नहीं रहने वाला भाई, भाई की गाड़ी रहने वाली है स्टॉक कंडीशन वाली गाड़ी। भाई स्टॉक कंडीशन का पहले तो राज होता क्या राज है भाई, सब जानते हैं स्टॉक कंडीशन का नहीं किसको नहीं पता। भाई मतलब मॉडिफिकेशन का भी ख्याल नहीं आया कि बॉडी कुछ कराऊं, मैं छोटी मोटी चीज भी कराऊं सब कराएंगे यार। अभी मतलब पापा के पास ही रहती थी गाड़ी। अच्छा। तो उस समय पे पापा को हल्का बहुत शौक है गाड़ी का, तो वो जितने करा सकते थे उन्होंने कराई है। मतलब बिल्कुल बेस मॉडल है गाड़ी का और LDI रहने वाला है। LDI रहने वाला है और अंदर बिल्कुल नॉर्मल था। और अब पापा ने थोड़ी बहुत कराई है मॉडिफिकेशन। 2 साल हो चुके अपनी गाड़ी को। 2 साल हो चुके हैं गाड़ी को। पूरा यूजर एक्सपीरियंस आपके यहाँ शेयर करने हो तो मेक श्योर आपने वीडियो लास्ट तक देखने, कहीं नहीं जाना। पेप्सी तब्सी लेके बैठ जाओ, पॉप कहते पॉप लेके बैठ जाओ। भाई हमारी वीडियो देखो तो पिज्जा बर्गर कंपलसरी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये आ चुके हैं हम गाड़ी के फ्रंट में। भाई मैं पहले तो जानना चाहूंगा ये गाड़ी लेने का पर्पस क्या था। टाटा नेक्सॉन भी तब थी अवेलेबल, तो रीजन भाई क्या था ये गाड़ी लेने का? भाई रीजन है इस गाड़ी का लुक्स सिंपल और ये पापा को थोड़ी रेंज ओवर इवोक टाइप पसंद है गाड़ी। अच्छा, तो रेंज ओवर टाइप रहने वाली मैच करती है। हाँ मतलब कहीं ना कहीं तो पापा ने कहा यार उस समय बहुत सही लग रही थी पापा को, पापा ने कहा यार ले लेते हैं। LDI ऑप्शनल भी अवेलेबल था ना? LDI ऑप्शनल अवेलेबल था। इसकी स्टोरी बताना चाहूंगा, हमने LDI ऑप्शनली मंगवाया था। अच्छा। लेकिन वो उस समय इतनी डिमांड में थी गाड़ी, 4 महीने की वेटिंग बता रहे थे। तो एक दिन पापा फोन आया ऐसी कि ऐसा एक गाड़ी खड़ी है लेनी है तो ले लो लेकिन LDI मॉडल। अच्छा। तो पापा ने कहा भाई जो मैं दे दे तू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस भाई मैं एक चीज जानना चाहूंगा इसमें, मैं देख पा रहा हूँ डोर वाइजर लगे अपनी गाड़ी में। पहले तो ये सब आफ्टर मार्केट है या फिर आफ्टर मार्केट है, मतलब कंपनी से ही लगवाया? हाँ जो भी लगाया गाड़ी में सारा कंपनी के थ्रू लगवाया, चाहे वो सीट कवर हो, साइड वाइजर्स हो या फिर अंदर के मैट्स हो, सारे कुछ भी मतलब A to Z चीज। फ्रंट से स्टार्ट करना चाहूंगा भाई, अपना लाइट जो रहने वाली है 55-60 जो आता है वही कंपनी वाला रहने वाला है, कुछ भी चेंजेस नहीं मिल रहे इसमें। भाई एक्सपीरियंस कैसा है? 2 साल हो चुके, अच्छे खासे भगाई भी होगी, धीरे भी चलाई होगी, अच्छे खासे कंडीशन में भी चलाई होगी, कैसा रिस्पांस रहने वाला है? बहुत बढ़िया रिस्पांस आया। मतलब मेरे को ड्राइविंग में कभी कोई वो नहीं आई कि दिक्कत आ रही है ड्राइविंग में। मैं इसको इतने लॉन्ग रूट पे लेके जा चुका हूँ, जैसे 2 बार मैं पंजाब लेके जा चुका हूँ लुधियाना तक, अच्छा एक बार चंडीगढ़ शिमला लेके जा चुका हूँ। सबसे लंबी ड्राइव जो मैंने करी थी वो थी मेरे ख्याल से लैंसडाउन गए थे हम, सुबह निकले थे यहाँ से। अच्छा। लैंसडाउन से हम गए, लैंसडाउन पहुंचे, शाम को पहुंचे ऋषिकेश और ऋषिकेश से फिर नॉनस्टॉप ड्राइविंग। नॉनस्टॉप ड्राइविंग बिल्कुल कंफर्टेबल। कैसे रहने वाला ड्राइविंग? बहुत बढ़िया था गाड़ी का। इंजन वाइज कैसी रहने वाली है भाई गाड़ी? भाई साहब गाड़ी का जो पिकअप है वो खुद ही जब टर्बो स्टार्ट होता है ना, हाँ जब लगता है कि भाई हो गया टर्बो स्टार्ट, तो बस रनवे वाली फील आती है। अच्छा भाई मैं एक और चीज जानना चाहूँ, ब्रेजा में अभी तक कोई मैकेनिकल इंजन वाइज वगैरह कोई ऐसी इशू आई है कि तेरे को पैसे एक्स्ट्रा लगाने सर्विस के अलावा? नहीं, मेरे को जितनी भी मैंने चलाई है अब तक गाड़ी, अभी तो वारंटी में भी है शायद 1 साल। हाँ पहली बात मैंने हम पापा ने क्या करा, जितनी भी सर्विस कराई है कभी भी बाहर से नहीं कराई। अच्छा। जितने भी इसके स्टोर है वो वाले मारुति वाले उसी से कराई है, वो खुद बता देते हैं सर इधर हो रहा है ये नहीं हो रहा। और अब तक 40,000 चल चुकी है गाड़ी। अच्छा एग्जैक्ट 40 अप्रोक्स। अच्छा हाँ। कोई कमी नहीं आई है गाड़ी में, शॉकर वॉकर बिल्कुल पहले जैसे हैं इसके। हाँ। भाई मतलब मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हमारे पापा जो है वो बेसिकली मारुति ही, मतलब सब कुछ कराना मारुति से कराना, बाहर कहीं हाथ मात नहीं लगवाना। मतलब ये है कि अगर बाहर एक बार गाड़ी लग गई ना हाथ उसका, तो फिर भाई वही ये लगा दो वो कर दो खुल जाती है एक तरह से गाड़ी। अपना अपना माइंड सेटअप सबका रहने वाला, बट आज के टाइम पे भाई मैं कहना चाहूंगा ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे सब कुछ वीडियो तो देखता ही होगा भाई मेरी तो भाई यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे ऑप्शन है। एटलीस्ट फॉग लैम्प तो लगाने चाहिए क्योंकि विंटर आ चुकी है भाई, तेरे को पता है ये जैसा कि फॉग देख पा रहे हो गाइस, तेरी हालत ये थोड़ा एटलीस्ट बचा लेगी। नेक्स्ट चीज देख पा रहा भाई, रूफ अपनी रैप है या फिर कंपनी से? नहीं ये बाहर से कुछ करा। एक चीज है सिर्फ, एक चीज जो पापा ने
बाहर से करा रखी है। तो भाई कैसा रिस्पॉन्स है, कौन कितने वाली कराई है? चाइनीज ही रहने वाली शायद 4000 के करीब, मतलब अच्छी क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी। एक बार कराओ, लेयर आती है, तीन लेयर होती है, ऐसे कुछ कहा होगा। तो गाइस जितना मेरे को आइडिया, तीन लेयर शायद एवरी रहने वाली, बट इतना कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पापा जी ने कराई थी इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। बाकी मैं देख पा रहा हूँ भाई ये ब्लैक ब्लैक डोर हैंडल, इसको क्रोम करवा सकते थे हम, रीजन पापा कुछ बोल नहीं सकते। गाइस नेक्स्ट चीज देख पा रहा हूँ भाई, टायर का रिस्पॉन्स कैसा रहने वाले अपने, बढ़िया कंपनी फिटेड टायर है हमारे का, ये यही कंपनी के साथ लगा हुआ आया था टायर। अच्छा, और बढ़िया टायर है। और एक बार बताना चाहूंगा, 2-2.5 साल हो गए गाड़ी को, आज तक स्टेपनी यूज नहीं हुई, स्टेपनी यूज नहीं करी, यूज ही नहीं करी है, अब तक इन्हीं में चल रहे हैं और बिल्कुल ब्रांड न्यू। अगर आप मैं डिक्की खोल के दिखाऊंगा तो स्टेपनी बिल्कुल एज इट इज है, आज तक नीचे नहीं रखी है, मतलब अब स्टेपनी भी देखनी पड़ेगी भाई मेरे को तो लगता है। भाई मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि टायर में कभी ब्रेकिंग का इशू आया तेरे को, मतलब ऐसा लगा कि ब्रेक कभी मिसिंग हो रहे तेरे? क्योंकि मारुति गाड़ी में बहुत लोग फेस करते हैं कि ब्रेक मिस हो जाता है कभी कभार, अचानक सडन ब्रेक मारने पड़ जाए तो ब्रेक मिस होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो नहीं, लेकिन हुए मतलब एकदम से लगा दो तो हल्का सा फील होता है, मिस हो रहे ब्रेक, हल्की सी, बाकी सही लगा मुझे तो, ऐसा कुछ ज्यादा डिफरेंस लगा, ज्यादा मिस की प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, नेक्स्ट चीज की तरफ चलते भाई, रूफ के ऊपर भी चलान हो रहा है, मैं बता दूं तेरे को पहले, तो अभी तक चलान इशू कहीं फेस नहीं, कोई चलान नहीं हुआ इसके रूफ के ऊपर, तो कोई चलान नहीं है। क्योंकि भाई मैं आपको ही बताना चाहूंगा, ब्रेजा i20 और थोड़ी बहुत गाड़ी और रहने वाली जिसका कहीं ना कहीं चलान नहीं करते, क्योंकि ड्यूल टोन में कंपनी वाले ऑलरेडी देते हैं भाई। भाई ये खबर आप ही ने दी है मुझे। अच्छा, मैं बताता हूँ जाके घर में, बाबा ऐसा ऐसा सीन है। अच्छा, पीछे पूछना चाहूंगा, यहाँ पे ना गाड़ी व्हाइट कलर है अपनी, बट थोड़ी सी डल लग रही है, रीजन क्या है भाई? गंदी हो रखी है, बट भाई गाड़ी में कुछ मतलब कोटिंग वगैरह कुछ नहीं है, मेरे को तो नहीं लग रहा कुछ नहीं, स्क्रैच स्क्रोच गाड़ी अपनी बाहर रहती है अंदर रहती है भाई? बाहर रहती है तो स्क्रैच तो पक्के है, मतलब जाएंगे बिल्कुल ही, और बाकी हल्की फुल्की लंबी चलाती है तो टचिंग हो जाती है। भाई थोड़ा लेफ्ट साइड चलते हैं, यहाँ मैं लेफ्ट साइड नोटिस कर पा रहा हूँ भाई, ये कोई चुरा के ले गया क्या? ये साइड से लगी थी हल्की सी तो ये निकल गया, पता नहीं कहाँ गिर गया। अच्छा, ऑर्डर कर रखा है कहाँ से? मारुति वालों से। अच्छा, मतलब सब कुछ मारुति से। अच्छा, बाकी भाई एक और चीज मेरे को बताया था कि गाड़ी के अलॉय का मूड बन रहा है, तो क्या प्लान है भाई, चाइनीज लगाने या फिर थोड़ा ब्रांड पे जाना है? जो आप कहोगे। अच्छा, हमारे सारे एडवाइस हमें राहुल भाई करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो कि भाई स्क्रैचेस स्क्रूचेस जो लगे छोटे मोटे ये निकल भी सकते हैं, और गाड़ी में एक ही चीज बोलूंगा, अगर करानी है तो पीपीएफ करा सकता है, क्योंकि अगर गाड़ी मेरे को लगता है भाई 1-2 साल में सेल वेल करनी है, अभी कुछ पूर्ण नहीं है, तो जैसे जितनी भी गंदी गुंदी हो रखी है ना, अगर रॉ लैंग्वेज में बोलूं पन्नी चढ़ जाएगी उसको, तो नाखून मार, चाबी रगड़ या ब्लेड मार, वो कटेगी नहीं, वो गाड़ी की एकदम पेंट जैसे का जैसे फिर तो 2-3 साल वो खड़ेगा भी ना, मतलब निकालेगा तो वैसे की वैसी सेम टू सेम रहेगी वो। अंदर चलते हैं और अंदर थोड़ा आवाज भी मैं आपको सुना के दिखाता हूँ, आवाज कैसी आ रही है स्टॉक सिस्टम की। सिस्टम वाले तो आपने सुन लियोगे, बट अब चलते हैं स्टॉक सिस्टम आपको सुनाता हूं। म्यूजिक सिस्टम सुनाने से पहले आपको मैं गाड़ी दिखाना चाहूंगा भाई, ये कवर तो नहीं आते, सीट कवर जो LDI मॉडल आता है उसके नहीं आते, तो मतलब चढ़वाए अच्छा खासा पैसा पे करा होगा। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर मैं छू के बताऊं तो ये बकेट फिट नहीं रहने वाले, जस्ट इसके ऊपर चढ़ाया गया, जैसे कि आप देख पा रहे हो गाइस, अपने को तो 2 पावर विंडो मिलती होगी, पीछे एकदम स्टॉक रहने वाला है। तो मारुति से पावर विंडो की बात नहीं करी जब इतना सब करा ही लिया तो कर लेंगे थोड़ा। अच्छा, तो गाइस ये देख लो, एकदम घुमाने वाला आता है, पीछे कुछ ऐसा रहने वाला है, यहाँ पे पीछे आ चुके हैं, मतलब 2 साल हो चुके हैं और अपना स्टिल स्टॉक का स्टॉक टायर रहने वाला है भाई, बिल्कुल सही कंडीशन है भाई। डिगी स्पेस कैसी रहने वाली भाई? अपनी स्टॉक स्पीकर की आपको आवाज सुनूंगा, मेक श्योर मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें, इस गाड़ी की आवाज इंस्टाग्राम पे पंजाबी गाने के साथ आपको मिल जाएगी भाई, सेटिस्फाई है? बिल्कुल भाई। Inside my own world of make-believe, kids screaming in the cold with profanities. I see blood through ice covered in ink. Cross out the ones who hurt me 'cause they watch me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hush.
नेक्स्ट चीज मैं आपको खुद ही बताना चाहूंगा, जो उसका IRVM है वो मैनुअली एडजस्टेबल आपको मिलता है भाई, बेसिकली बेस मॉडल ले रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई। मैं एसी का रिस्पांस जाना, गर्मी के टाइम में कैसा रिस्पांस रहा? सही है भाई, रिस्पांस ऐसी भाई। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मारुति की गाड़ी का सही में एसी बहुत अच्छा है, बाकी कुछ अच्छा ना हो बट ब्रेजा का तो भाई अच्छा रहने वाला है काफी कुछ। एंड कैप रेटिंग में भी काफी अच्छा खेल गई है। इसमें आपको कितने एयरबैग मिलते हैं? दो की एक में, LDI में एक मिलता है, ऑप्शन में दो। ऑप्शनल में क्या क्या एक्स्ट्रा मिलता है? सिर्फ एक एक्स्ट्रा एयरबैग मिलता है और आपको एक ABS मिलता है। ABS मिलता है और इसमें हमें ABS नहीं मिलता, नॉर्मल ब्रेकिंग शूज है। अच्छा, ब्रेकिंग नॉर्मल रहने वाली है भाई। जैसे कि आपको दिखाऊं मैं अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो 43,498 रहने वाला है। थोड़ा चला के देखते हैं कैसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहने वाला है। अब हम आ चुके हैं भाई ड्राइवर साइड पे। अब थोड़ा सा गाड़ी यहीं से राउंड मारेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई, दिखाना एक बार, यहाँ से थोड़ा सा राउंड मारेंगे फिर आपको बताऊंगा कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो भाई मेक श्योर चाहे इतना छोटा सा कट ले या फिर कुछ भी ले तो सीट बेल्ट लगाना ना भूले भाई। ये मैं जानता हूँ मेन रोड नहीं है बट स्टिल, तो भाई रूल रूल होते हैं, है ना भाई? भाई चलने में तो मक्खन है एकदम। सो गाइस थोड़ा सा बताना चाहूंगा, गाड़ी स्टिल 2 साल पुरानी है भाई और चलने में एक नंबर रहने वाली है। डीजल गाड़ी का ये है कि एक बार डीजल गाड़ी आपने चला ली तो पेट्रोल पे जाने का फिर मन नहीं करना, ये हो जाती आदत। सो गाइस अभी थोड़ा सा गाड़ी को स्पीड में लेते हैं। गियर भी स्मूथ रहने वाले भाई अपना। थोड़ी थोड़ी ब्रेकिंग ले रहा हूँ, बोलना चाहूंगा ब्रेकिंग में भाई फाड़ है एकदम, मजा आ गया। ओ भाई टर्बो इसका थोड़ा लेट आता है, तू अगर दबा के रखेगा ना थोड़ा 5-6 सेकंड तो पिकअप लेता, टर्बो टर्ब स्टार्ट होता है। अच्छा, सुबह जी आ चुके हैं फिर से हम वही जगह पे। अब लगाते हैं गाड़ी थोड़ी साइड में, फिर भाई से बात करते हैं। सो गाइस ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपने सब कुछ देख लिया, भाई मैं एक चीज जानना चाहूंगा अभी तक कितनी भगा रखी है इसको? 120, 130। सो गाइस अब बताना चाहूंगा ड्राइविंग एक्सपीरियंस का बहुत बेटर रहने वाला है भाई। जितनी मारुति की गाड़ी आज की ब्रेजा में मेरे को नहीं लगता ज्यादा कुछ चेंज है, कॉस्मेटिक चेंज के अलावा ज्यादा कोई चेंजेस रहने वाला नहीं है, इंजन आपको वही मिलने वाला है। सो भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है भाई, क्या एक चीज बोलना चाहेगा मारुति की इस ब्रेजा के बारे में? ब्रेजा की तो मैं कभी बुराई करता भी नहीं हुआ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं मेक श्योर जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, आवाज की आउटपुट आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। स्टॉक सिस्टम भी एक बार सुनने को भाई चाहिए कि कैसी आवाज उसकी मिलती है हम लोग को। सो गाइस ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहने वाला है भाई। थैंक यू सो मच भाई सुबह से आने के लिए भाई। सो गाइस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी लाइक करें बिना मत जाना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यहाँ तक वीडियो देख ली सब्सक्राइब करके जरूर जाना, शेयर नहीं करा दोस्त फैमिली मेंबर सब तक फैला दो, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको आज की वीडियो। सो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।